सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज विनीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर थ्री। ठीक है, ये हूँ मैं, ये है मेरा नाम। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आज 3.1 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। अगर हमारी क्लासेस के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो मेरे को। ठीक है, फील फ्री टू टेक्स्ट, आराम से टेक्स्ट करो, बातें करेंगे, कोई बात नहीं अगर क्लास नहीं ले रहे हो तो भी। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा प्लेइंग विथ नंबर। सबसे पहले आता है चैप्टर के अंदर 3.1 जो एक्सरसाइज है, उसमें हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ठीक है, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि फैक्टर्स मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स, फिर देखेंगे मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो कोई भी नंबर, ठीक है, जिसको मैं डिवाइड करूंगा और वो पूरा डिवाइड होकर जीरो आ जाए, ठीक है, तो हमारा जो डिवाइजर होगा वो उस नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 8, ठीक है, उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 4 8, ठीक है, 2 4 8, 8 कटने के बाद जीरो आ गया, तो ये जो डिवाइजर है ये 8 का फैक्टर है। ठीक है, ये याद रखना। फैक्टर क्या होता है, अगर किसी नंबर को, ठीक है, किसी नंबर ने किसी जो अपना डिविडेंड है उसको पूरी तरीके से काट के जीरो कर दिया, डिवाइड करके जीरो कर दिया, तो जो नंबर होगा, जो डिवाइजर होगा, वो हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, एक लास्ट टाइम समझो। ठीक है, फिर इसको आसान तरीके से समझाऊंगा जैसे मैंने समझा था अपने स्कूल टाइम पे। कोई भी डिवाइड करने के लिए हमें एक नंबर दिया गया, ठीक है, बोला गया कि 8 का फैक्टर निकाल दो सर, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर से। ठीक है, जैसे कि हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 8, 8 2 ने इसको पूरी तरीके से डिवाइड करके जीरो लिया है। ठीक है, तो जो 2 होगा वो 8 का फैक्टर होगा। ठीक है, तो व्हाट आर फैक्टर्स, दोज नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड टोटली, ठीक है, इज नोन एज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब ये समझो कि मैंने कैसे समझा था अपने स्कूल में। ठीक है, 8 जैसे बोला गया 8 का फैक्टर निकालो, ठीक है, तो ये हम पता कर लो कि 8 जो है किस किस के पहाड़े में आता है वो इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, ऐसे मैंने समझा था, आप जैसा मर्जी वैसे समझ सकते हैं। फिर से समझा देता हूँ मैंने कैसे समझा था कि अगर आपको दिया गया हो कि 8 के फैक्टर निकालो तो याद रखना कौन कौन से पहाड़े में आते हैं। जैसे 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है, तो ये चारों इसके फैक्टर हुए। ठीक है, एक चीज और, सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट फैक्टर जो होगा किसी भी नंबर का, वो वही वाला नंबर होगा जो हमें दिया गया है। ठीक है, जैसे 8 है, 8 का फैक्टर निकालना है तो 8 ही जो है सबसे हाईएस्ट फैक्टर है। ठीक है, तो याद रखना जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो इससे कम होंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, द नंबर दैट इज गिवन एज क्वेश्चन। ठीक है, ये सब चीजें नहीं पूछेगा, बस आपसे बोलेगा पेपर में कि भाई आपको नंबर दे दिया गया है 16, आप इसके फैक्टर बताओ। तो 16 किस किस से पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है और 16 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये सारे 16 के फैक्टर हुए। ठीक है, वेरी गुड, फैक्टर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, दो तरीके से फैक्टर समझाया मैंने। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो डिवाइड कर दो किसी भी नंबर से और डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, डिवाइजर बराबर फैक्टर। ठीक है, अब आ गया मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स तो बहुत आसान है। ठीक है, बोला गया है कि अगर 5 का मल्टीपल निकालो तो 5 को मैं 5 से ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मल्टीपल निकल जाएगा, ये बुक में ऐसे दे रखा है। ठीक है, मेरा क्या मानना है कि अगर आपको 5 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं तो 5 का टेबल पढ़ दूंगा। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 5 10 15 20 25 30 और so on। ठीक है, बुक में दे रखा है कि 5 में 5 ऐड करो, जो नंबर दिया उसी को ऐड करो, तो जो भी नंबर आएगा ऐड करने के बाद वो उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, पर ऐसे करके कुछ नहीं दिखाना, आपको मल्टीपल दिया गया हो, ठीक है, पेपर में आपको दिया गया हो कि सर 15 का मल्टीपल निकाल दो, तो 15 का पहाड़ा पढ़ दो, 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 60 75, ठीक है, 90, जितना भी दिया हो उतनी बार पढ़ दो, हमारा मल्टीपल निकल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यह है 3.1, ये है सारे क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन हैं, आज इस वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। आओ सबसे पहले लिखा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। मैंने फैक्टर्स के बारे में बताया, सबसे हाईएस्ट फैक्टर वही वाला नंबर होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया है, जैसे 24 है तो 24 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, 24, ठीक है। मतलब इसके बाद वाले जितने भी फैक्टर्स होंगे वो 24 से कम होंगे, है ना। तो आओ मेरा वाला ट्रिक इस्तेमाल करो, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि जो 24 है किस किस के टेबल में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 के टेबल में तो आएगा ही सर, क्या 2 के टेबल में आएगा, तो देख लो डिवाइड करके, 2 के टेबल में आएगा क्या, हाँ जी 2 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से, तो ये 2 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 3 से डिवाइड होगा क्या 24, तो हाँ जी होगा, 3 8 24, तो 3 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 4, तो 4 के टेबल में आता है क्या, हाँ 4 के टेबल में भी आता है। फिर उसके बाद 6, फिर 12, फिर स्वयं 24, ठीक है। तो ये होंगे इसके फैक्टर, फैक्टर क्या होंगे फिर समझो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होगा वही हमारा फैक्टर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन निकल गया, ये उसके आंसर है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है 15, दूसरा क्वेश्चन है 15, तो 15 किस किस से डिवाइड होगा, एक तो ये 1 से हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 से होगा, फिर 5 से होगा, फिर 15 से होगा, तो ये हो गया 15 के फैक्टर्स। उसके बाद सी क्वेश्चन है 21, 21 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड, क्योंकि इसी नंबर से ये जो है 21 पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है, 11 भी है, सॉरी 11 नहीं है, ठीक है भाई बच्चे, मैंने बोला अभी 11 तो कई बच्चों ने लिख भी लिया होगा, ठीक है कि 11 है सर ने बोला है, बेटा नहीं 11 नहीं है। उसके बाद आ गया 27, तो 27 किस किस का फैक्टर है, तो 1 3 9, ठीक है, और 9 के बाद है 27, स्वयं 27 का, ठीक है, देख लो करके देख लो, ठीक है, किसी से हो जाए तो और नंबर से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 0 ही आएगा, देखो 3 से करके दिखाया तो एक बार, ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार दिखाया तो कैसा है, 27 है, 3 3 9 27, 0 आ गया, ठीक है। तो 3 जो है मैंने बोला जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा, मैंने फैक्टर लिख दिया यहाँ पे। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन 12, तो 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 और 12, देख लो जी यही नंबर जो है इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करके देख लो, देखो 2 6 12, 0, देखो जो डिवाइजर होता है वही हमारा फैक्टर होता है। उसके बाद 20 आ जाओ जी, 1 2 4 5 10 20, ये है 20 के फैक्टर्स, डिवाइड करके देख लेना 0 आएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ फैक्टर मतलब क्या होता है, जो भी नंबर जो भी हमारा डिवाइजर है, ठीक है, अगर वो डिविडेंड को पूरी तरीके से डिवाइड करके रिमाइंडर एकदम 0 लिया है तो जो डिवाइजर है इसी को क्या बोलेंगे, फैक्टर, ठीक है। चलो हमारा 20 वाला भी हो गया, अब 18 आ गया, 18 देखो, तो 1 2 3 3 के बाद 6 6 के बाद 18, ठीक है, उससे पहले 9, ठीक है, ये सारे नंबर जो है 18 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, देख लेना। उसके बाद आएगा 23, तो 23 किसी को डिवाइड कर सकता है, कौन सा नंबर 23 को डिवाइड कर सकता है, एक तो 1 1 23, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 36, तो देख लो जी 36 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 4 6 6 के बाद 9 और 12 और 18 और 36, ठीक है, तो ये सारे नंबर 36 के फैक्टर होंगे, ठीक है, याद रखना।
चलो नेक्स्ट पे, अब निकाले होंगे मल्टीपल्स कुछ, लिखा है कि पांच मल्टीपल लिख दो, फाइव, तो इसका पांच बार पढ़ दो टेबल, फाइव का मल्टीपल निकालना है, तो एक मल्टीपल ये 10, 15, 20, 25 और एक 30, एक पहले से दे रखा था, पांच मल्टीपल और निकाल दिया। ईट का मल्टीपल निकाल दो, तो ईट का टेबल पढ़ लो भैया, ईट दे रखा है 16, 24, 32, 40, 48, और उसके बाद नाइन का फैक्टर निकाल, मल्टीपल निकाल दो सर, तो नाइन के टेबल पढ़ दो, 9, 18, 27, 36, 45, 54, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल होंगे इसके, कैसे आए मैं फिर बता देता हूँ, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ मैं, जो भी हमें मल्टीपल दिया है बोला है कि फाइव का मल्टीपल निकालो, तो फाइव का टेबल पढ़ दो जितनी बार भी बोला है, जैसे यहाँ पे फाइव बार बोला था, तो एक हमें पहले से दे रखा है, उसके बाद हमें ये पांच निकाले हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 to 100, 9 के मल्टीपल निकालने हैं जब तक कि 100 ना आ जाए, ठीक है। ठीक है जी, तो 9 के मल्टीपल्स, एक 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 54 हो गया, 63 हो गया, 72 हो गया, 81 हो गया, 90 हो गया और 99, ठीक है। तो यही है जो कि 100 से कम होंगे, ठीक है, और 100 आता नहीं है तो 100 से कम वाले, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे 9 के, ठीक है, मल्टीपल्स हो जाएंगे, सॉरी 9 के मल्टीपल्स, समझो टेबल पढ़ना है, फैक्टर्स किसके टेबल में आते हैं, ठीक है, या फिर डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर 0 रख देते हैं, रिमाइंडर बराबर 0 हो उसे बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। आगे चलो, लिखा है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2, मैच करना है, देखो मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का मल्टीपल कौन सा है इसमें, देखो तो है हमारा जी 16, तो मिला मिला दो उसको, ये लो सर। मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल कौन सा है, 35, 15, 16, 20 या 25, तो 7 का मल्टीपल होता है सर 35, 7 5 जा 35 आता ना, 7 5 जा 35, तो 7 का मल्टीपल क्या हो गया 5, उसका लिख रखा मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल, वेरी गुड जी। तो ये तो थोड़ा सा रुक जाओ, फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है, तो 15, 15 जो है वो 30 के आता है, ठीक है, 15 जो है वो 30 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में। उसके बाद फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 25 जी इसके सामने लिखा है। फैक्टर ऑफ 20, 20 का फैक्टर 20, ठीक है, तो हम पे ये एक्स्ट्रा था, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज हो गया खत्म, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ मैथ, क्योंकि 6 के मैथ में कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये पहले से ही पढ़ के आए हो, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर दिया हो तो वीडियो लाइक कर देना, और जिसको अगर हमारी क्लासेस के बारे में जानना है कि सर अगर आप पढ़ाते हो तो हमें पढ़ा दो, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को टेक्स्ट कर देना, ठीक है, एकदम मुक्त होकर टेक्स्ट करो बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत बात बात होगी बढ़िया से, ठीक है। अगर आप चलाते हो, अगर आपको कोई बड़े भाई भाई को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। सही बच्चों को जय हिंद, मल्ला।